हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश आज मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। केंद्रीय खेल मंत्री नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने की अपने अभियान की शुरुआत। पहले दिन पैरा तीरंदाज और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पेश कर रहे हैं अपनी चुनौती। और यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग में सबालेंका और कोकोकॉव पहुंची तीसरे दौर में। वहीं पुरुष एकल वर्ग में ज्वेरेव की जीत का सिलसिला जारी। और खेल समाचार में सबसे पहले खबर राष्ट्रीय खेल दिवस से जुड़ी हुई। हॉकी का नाम सुनते ही जेहन में मेजर ध्यानचंद की छवि सहज ही उभर आती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान ब्रैडमैन का है, वही स्थान हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार तीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का खेलों की दुनिया में हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से खेल रहे हो। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है एक बार जब वे खेल रहे थे तो उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया था। इसी तरह एक बार खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार तीन ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन को देखकर एक अखबार ने लिखा यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर ही जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश की। हालांकि ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। लंबे समय तक विश्व हॉकी के शिखर पर रहे मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को देहांत हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर करने की बजाय उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD News।
और आइए अब देखते हैं मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलू इस विशेष रिपोर्ट में। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद। फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है उसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय मारने के, अब ड्रिबलिंग ही शुरू कर दिया। जी हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके। इट्स आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन दे यूज्ड टू प्ले द स्पोर्ट ऑफ हॉकी। That's how modern hockey came into India. So somehow Dhyanchand got into that hockey team. When he played, he was supposed to play against his bosses, colonels and all other people. So his first aim is not to hurt them. Dhyanchand ke bare mein kaha jata tha ki wo bilkul chess ki tarah hockey ke maidan ko dekhte the, unko pata hota tha कि उनका खिलाड़ी किस जगह पर है, और वो ब्लाइंड फोल्ड अगर आप उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दें तो वो एक ऐसी जगह पास करते थे जहां खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल पिन पॉइंट उसी जगह पर गेंद रुकती थी। तो ये प्रेसिशन था। When he played in America, they thought probably there was some magic in his hockey stick, and they even changed his sticks. What Dhyanchand was playing in his times was nothing but what we are playing nowadays. Magic man like Don Bradman in cricket, hockey was in his blood, hockey was in his thought, hockey was in his action. People say he had some electric power. No, he visualized you should not hold the ball. Much before Sachin Tendulkar, Roger Federer, Michael Jordan, Senna, Muhammad Ali, Pele, there was Dhyanchand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, आज हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सकें और आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। स्पोर्ट खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। '2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है,
ये जो ललक दिख रही है यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री भी मौजूद थीं। उन्होंने देश के नागरिकों से फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उसकी जन्म जयंती है और मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे वो खिलेंगे। देश के नागरिक फिट रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर उन्हें याद किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन, समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक खेलों की। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और खेल समाचार में अब खबर पेरिस पैरालंपिक खेलों से जुड़ी हुई। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो गई है। पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम के बाहर ऐतिहासिक शांज एलिजे में आयोजित किया गया। पैरालंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक रहे। ओलंपिक की सफल मेजबानी के बाद अब पेरिस तैयार है पैरालंपिक की मेजबानी के लिए। इसकी शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों बीच एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हो गई है। पेरिस ओलंपिक की तरह ही उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर ऐतिहासिक शांज एलिजे में आयोजित किया गया। समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और शॉर्ट पुटर भाग्यश्री जाधव रहे। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय दल का उत्साह देखते ही बनता था। उद्घाटन समारोह में शेफ डे मिशन SP सांगवान 52 खिलाड़ियों समेत 106 सदस्यीय भारतीय दल ने शिरकत की। 29 अगस्त को स्पर्धाओं के कारण 32 खिलाड़ियों ने उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। मार्च पास्ट का हिस्सा 168 देशों के पहला खिलाड़ी बने, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हुई और सबसे अंत में मेजबान फ्रांस आया। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का निर्देशन करने वाले थॉमस जॉली ने पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह का भी निर्देशन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने औपचारिक रूप से खेलों के शुरू होने की घोषणा की। फ्रेंच पैरा तैराक थियो कोरिन टैक्सी से समारोह स्थल पहुंचे। कनाडा के पियानिस्ट चिली गोंजालेज ने 140 नर्तकों के साथ समारोह की शुरुआत की। इस समारोह को देखने के लिए 50,000 दर्शक जुटे। इनमें 15,000 दर्शकों को मुफ्त में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर समारोह में प्रवेश दिया गया। भारत की 84 सदस्यीय टीम पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा ले रही है, जिसमें उनके साथ 95 अधिकारी भी हैं।
इनमें खिलाड़ियों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके साथ जाने वाले निजी कोच और सहायक भी शामिल है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीते थे। ऐसे में 3 साल बाद भारत का लक्ष्य स्वर्ण पदकों की संख्या दोहरे अंक में पहुंचाना और कुल 25 से अधिक पदक जीतना है। भारत इस बार 12 खेलों में भाग ले रहा है, जबकि टोक्यो में 54 सदस्यीय टीम ने 9 खेलों में भाग लिया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीय पेरिस पैरालंपिक 2024 में हमारे दल को शुभकामनाएं देते हैं। प्रत्येक एथलीट का साहस और दृढ़ संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर कोई आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री ने लिखा, 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद हमारे पैरालंपिक एथलीट्स के साथ है और हमें विश्वास है कि चुनौतियों को चुनौती देने वाले हमारे खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। खेल मंत्री ने एक वीडियो पोस्ट कर भारत के पैरालंपिक एथलीट्स का हौसला बढ़ाया और पैरालंपिक में भारत के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। देश के हर नागरिक, हर युवा खेले, खेल के साथ जुड़े, खेल एक स्वभाव बने, खेल एक जीवन का एक पार्ट बने। चैलेंज को चैलेंज देने वाले लोग, आप विपरीत परिस्थिति को अनुकूल करने वाले लोग, जो खेलेंगे वो खिलेंगे, जो खिलेगा स्वस्थ होगा। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने आज से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले दिन पैरा तीरंदाज और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह पुरुषों के रिकर्व रैंकिंग राउंड में आज हिस्सा लेंगे। वहीं सरिता और शीतल देवी महिला कंपाउंड में रैंकिंग राउंड खेलेंगी। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन बैडमिंटन मिक्स डबल्स के SL3 SU5 प्ले ग्रुप स्टेज मैच में नितेश कुमार और तुलसीमती मुरुगेशन की जोड़ी ने सुहास यतिराज और पलक कोहली की जोड़ी को 21-14 21-17 से हराया। बैडमिंटन मिक्स डबल्स में नितेश कुमार और तुलसीमती का एक और मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:10 पर इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वहीं आज रात 10:50 पर सुहास यतिराज और पलक कोहली का मुकाबला फ्रांस की जोड़ी से होगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारतीय शटलर मानसी जोशी को महिला सिंगल्स के SL3 प्ले ग्रुप स्टेज मैच में हार का सामना करना पड़ा। मानसी जोशी को इंडोनेशिया की कोनिता के खिलाफ 21-16 13-21 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पेरिस में हो रहे पैरालंपिक खेलों के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पैरालंपिक के शुरू होने से पहले ही 2 मिलियन टिकट्स बिक चुके थे। इनमें से 1 मिलियन टिकट 1 महीने से भी कम समय में बिके हैं। 52% टिकट धारकों को पहली बार पैरालंपिक खेल देखने का मौका मिल रहा है। ओलंपिक के सफल आयोजन और रिकॉर्ड दर्शकों की उपस्थिति के बाद खेल प्रेमियों की नजर अब पेरिस पैरालंपिक पर है। 28 अगस्त को पेरिस के बीचों बीच हुए भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अभी तक 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए 2 मिलियन से अधिक टिकट्स बिक चुकी हैं, जिनमें से 1 मिलियन टिकट सिर्फ 1 महीने में बिकी हैं। खेलों में भाग लेने वाले दर्शकों के पास पेरिस 2024 पार्टी को जारी रखने का अवसर होगा, जो ओलंपिक के साथ शुरू हुई थी। पैरालंपिक के टिकट खरीदने वाले अधिकांश लोगों के लिए पेरिस पैरालंपिक खेल नया अनुभव होंगे। 52% टिकट धारकों को पहली बार पैरालंपिक खेल देखने का मौका मिलेगा। पैरालंपिक खेलों के टिकट धारकों में से 48% ने पहले ही खेलों के टिकट खरीद लिए हैं। लगभग 20 खेलों की कम से कम 75% टिकट्स बिक चुकी हैं। 11 खेलों की कम से कम 90% टिकट्स
खेल प्रेमियों ने खरीद ली हैं। टिकट्स की बिक्री के बाद ऐसा लग रहा है कि पैरालंपिक खेलों को लेकर उत्साह बढ़ा है। तीन दिनों में 1000 से अधिक लोग अब तक पैरालंपिक मशाल को पूरे फ्रांस में ले गए। उद्घाटन समारोह से पहले पेरिस तक मशाल के उत्साहवर्धन के लिए 5,00,000 से अधिक दर्शक दिखाई दिए। यह उन खेलों की सफलता के लिए एक अच्छा संकेत है। आपने समाचारों में सुना होगा कि हमने कल आधिकारिक तौर पर 2 मिलियन टिकट्स की बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से ही 1 मिलियन टिकट बुक हो चुकी थी। आयोजकों का कहना है कि लगभग 5,00,000 टिकट्स अब भी बिकनी बाकी हैं। ऐसे में यदि ये टिकट्स भी बिक जाती हैं, तो पेरिस पैरालंपिक 2012 लंदन खेलों के लिए बेचे गए 2.7 मिलियन टिकट्स के रिकॉर्ड से थोड़ा ही पीछे रह जाएगा, जहां 97% टिकट्स खरीदी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अनुसार 2008 बीजिंग खेलों में 1.82 मिलियन टिकट्स बेचे गए और आयोजकों ने स्कूल्स को 1.62 मिलियन टिकट्स दिए थे। रियो 2016 पैरालंपिक के लिए करीब 2.1 मिलियन टिकट्स बिकी थी। पेरिस पैरालंपिक की आयोजन समिति का मानना है कि पैरालंपिक के लिए सभी टिकट्स बिक जाती हैं, तो ये एक रिकॉर्ड होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल समाचार में अब बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका ने आसान जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। सबालेंका ने दूसरे दौर के मुकाबले में इटली की लूसिया ब्रुजेंटी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त और गत विजेता कोको गॉफ ने भी यूएस ओपन के तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में जर्मनी की तात्याना मारिया को 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। 14वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की मैडिसन कीज को दूसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैडिसन ने अपने ही देश की माया जॉइंट को 6-4, 6-0 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल वर्ग में ही 26वीं वरीयता प्राप्त स्पेन की पाउला बादोसा को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। बादोसा ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की टेलर टाउनसेंड को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। पुरुष एकल वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आसान जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर म्यूलर को 6-4, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। भारत खेलों का सबसे बड़ा बाजार है और देश विदेश में विभिन्न तरह के खेल उत्पादन की मांग को पूरा करता है। इसी कड़ी में नई खेल सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए सबसे बड़े स्पोर्ट इंडिया और बिजनेस 2024 एक्सपो के 12वें संस्करण की शुरुआत आज से दिल्ली के प्रगति मैदान पर हुई। 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस एक्सपो में देश की कई बड़ी कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये एक ऐसा मंच है जहाँ देश की जानी मानी कंपनियाँ अपने सामान की प्रदर्शनी करती हैं और ग्राहकों को विभिन्न तरह के नई खेल सामग्री से रूबरू कराती हैं। इस एक्सपो में आई विन एक्सपोर्ट कंपनी के फाउंडर से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बात की। आपको छोड़ जाते हैं इस खास बातचीत के साथ, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्पोर्ट्स एक्सपो 2024 जो प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है स्पोर्ट्स एक्सपो में, उस पर बात करेंगे विनिक्स के ऑनर से। किस तरह से देखते हैं इस बार के स्पोर्ट्स एक्सपो को, क्या नया लेकर के आए? हमारी कंपनी पिछले 67 ईयर्स से इस बिजनेस के अंदर है, तो इस साल हमने अपनी कंपनी का लोगो चेंज किया है, हमारी सारी प्रोडक्ट लाइन चेंज करी है, जिसके अंदर जितने भी हमारे अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो बैडमिंटन थे, फुटबॉल थे, वॉलीबॉल थे, बास्केटबॉल थे, उन सब के मॉडल्स को चेंज करके मार्केट की नई रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने नए प्रोडक्ट रेंज डेवलप करे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर हम आप यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, तो मार्केट के अंदर हमने कोशिश करी है कि हमने हर सेगमेंट के कस्टमर्स को कवरअप करने की कोशिश करी है। जैसे अगर हम बात करते हैं जूनियर सेगमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्कूल की
या घर पे जो खेलते हैं या प्रोफेशनल प्लेयर्स हो गए, तो हर तरीके की रेंज को हमने इसमें कवर अप किया है। स्पोर्ट्स जो है भारत में वो इतना ग्रूम कर रहा है, गवर्नमेंट इस पर पूरा अपना फोकस लगा करके ला रही है, पैसा खर्च कर रही है, और ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी हम वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट हब बनने के लिए तैयारी अपने आप को कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इसी मुहिम को देख के कि जिस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रमोट करा है, स्पोर्ट्स को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, उसी चीज़ को देखते हुए हमारी कंपनी ने काफ़ी सारे नए ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, चाहे फुटबॉल हो, हर रेंज के अंदर हमारी कंपनी ने नए नए तरीके के ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं। जैसे आपने देखा, कुछ हमारे यहाँ ऑटोमेटिक हमने सर्विंग मशीन्स लगाई हैं जो आपको टेनिस बॉल प्रैक्टिस करने में, आपको बैडमिंटन प्रैक्टिस करने में और टीडी टेबल की प्रैक्टिस करने में भी मदद करेंगी। हर बार जब स्पोर्ट्स एक्सपो आता है तो एक्साइटमेंट होता है। इसमें एक तो जेवलिन्स एथलेटिक इक्विपमेंट की बहुत डिमांड आ रही है, और नीरज चोपड़ा भी हमारे किट जेवलिन को प्रमोट करते हैं, और एथलेटिक्स के अंदर हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट में हैं एंड वी स्टैंड नंबर वन। वी आर अवार्डेड बाय SGPC स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड दे आर गिविंग अवार्ड फॉर द लास्ट 21 ईयर्स। देश में अगर स्पोर्ट्स को देखा जाए, जैसा आपने कहा जावलिन में नीरज चोपड़ा ने इस गेम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो इस एक्सपो में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या है? किड्स जेवलिन है वो शॉपकीपर्स के लिए, और किड्स जेवलिन जो है उसका पूरा एक सेट भी हमने एथलेटिक का बनाया है जो बच्चों को ही ट्रेनिंग देने के लिए है। उसी तरीके से ट्रेनिंग इक्विपमेंट हमारे पास बहुत हैं, उसी के ट्रेनिंग आर्टिकल्स हैं जो हम दे रहे हैं, डिस्कस, शॉर्ट पुट, हैमर, ये सब बच्चों के लिए बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड में भी डिमांड है और इंडिया में भी अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमें स्पोर्ट्स को ऊपर लेकर के जाना है, इस खेल के पैरामीटर्स को और बढ़ाना है, तो ये एग्जीबिशन जो है, ये जो एक्सपो लगा है, यहाँ से काफ़ी कुछ निकल करके आएगा सामने, और रिटेलर्स भी यहाँ से काफ़ी कुछ ले जा सकते हैं, वेंडर्स भी ले जा सकते हैं, और एक नया मार्केट जो है वो भारत में निकल करके आ रहा है, और मेरठ उसका हब बनता जा रहा है। कैमरा जगमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली।